इनफ्लैंक इनफ्लैक्शनल एंडिंग्स जो हैं ये लेटर्स का एक ग्रुप हैं जिससे वर्ड का मीनिंग मानी तब्दील हो जाता है इससे हमें ये पता चलता है कि जो इवेंट है वो पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल ही लाइक्ड आइसक्रीम ही लाइक्ड लाइक्ड जो है ये पास्ट है उसने आइसक्रीम ख़त्म कर ली वो खा चुका है तो हमें पता चला ही लाइक्ड आइसक्रीम ही इज लाइकिंग आइसक्रीम वो आइसक्रीम पसंद करता है तो इससे हमें पता चल चला कि प्रेजेंट है प्रेजेंट टेंस में इंग लगाते हैं और पास्ट में ed इसको हम एक बेस वर्ड को उसके एंडिंग के स्पेलिंग चेंज करके जो तब्दीली आती है टेंस में उसको इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स कहते हैं ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे वो हर रोज लाइब्रेरी जाता है लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ बुक्स बहुत सारी पढ़ी होती है और अपनी मर्जी से लाइब्रेरी जा, जाके बुक्स पढ़ना अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो रोज लाइब्रेरी जाते हैं इसी तरह माई टीचर नेवर कम्प्लेंस अबाउट माई बिहेवियर मेरे उस्ताद ने कभी मेरी शिकायत नहीं की मेरे रवैये की तो ये भी कम्पलेंस एस लगाने से हमें पता चला कि प्रेजेंटेंस में बात हो रही फिर फ़्राज़ लिसन टू हिज टीचर केयरफुली फ्राज़ जो है वो बहुत ध्यान से उस्ताद की बात सुनता है इसीलिए वो घर आकर बैठकर उसकी रिवीजन करता है और होमवर्क करता है Listened से मतलब है कि क्लासरूम में उसने बहुत अच्छे तरीके से सुना फिर है अली इज गोइंग टू बाय फ्रूट फ्रॉम द मार्केट अली मार्केट से फ्रूट या फल खरीदने जा रहा है गो से हमने इंग लगा दिया तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो ये काम कर रहा है फिर है फराज एंड साद स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच साध और फराज ने प्रैक्टिस फाइनल मैच के लिए शुरू कर दी थी स्टार्टेड पास्ट टेंस को बता अब आप देखें कि ये हमने गोस कंप्लेन लिसन गोइंग स्टार्टेड एंड में किसी वर्ड के ई एस लगा कहीं एस लगा कहीं ई डी और कहीं आई एन तो इससे हमें पता चला कि काम प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में इसी तरह जैसे देखें रेन बेस वर्ड है तो रेंट का हाँ मतलब है बारिश हुई थी और रेनिंग बारिश हो रही है बोथ ऑफ दिस है बेस वर्ड एंड एन एंडिंग ई डी मीन्स इट इन द पास्ट और इंग मीन्स इट इज हैपनिंग नाउ अगर हम इन दोनों को सेंटेंसेज uh, में इस्तेमाल करें तो ये यूं आएगा इट रेंड अ फ्यू आवर्स अगो कि कुछ घंटे पहले बारिश हुई और इट इज़ रेनिंग टूडे आज बारिश हो रही है इसी तरह ये देखें बेक बेक कहते हैं ओवन में किसी चीज़ को पकाना बेक उसने पकाया और बेकिंग वो पका रहा है यानी अभी हो रही है वो चीज़ तो बेस वर्ड जो है दोनों में एक ही है लेकिन एक में ई डी की एंडिंग हो रही है पास्ट टेंस में जा रहा है और दूसरा हैपनिंग नाउ मौजूदा ज़माने में हो रहा है अगर हम इनके सेंटेंसेस बनाएं तो यूं बनेंगे ब्रेड इज बेकड इन एन अवन जो ब्रेड होती है डबल रोटी जिसको उर्दू में कहते हैं वो अवन में पकाई जाती है और आई एम बेकिंग केक मैं एक केक को बेक कर रहा हूँ तो ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि एक पास टेंस में हुआ है और एक प्रेजेंट में हो रहा है अब एट द एंड ई डी आर आई एन जी टू फॉर्म न्यू वर्ल्ड दस्ट वन इज डन फॉर शू जैसे बेस वर्ड हैड तो इसके सामने ई डी लगाएंगे तो ये बन जाएगा हेडिड और आई एन जी लगाएंगे तो बन जाएगा हेडिंग इसी तरह आप बाकी जो वर्ड्स हैं उनके आगे खुद से एंडिंग्स लगा के नई वर, नए वर्ड्स बना सकते हैं शाबाश खुद पहले ट्राई करें फिर पे देखें ये प्ले से प्लेड प्लेइंग चार्ज चार्जिंग डिस्कवर डिस्कवर्ड डिस्कवरिंग कैरी कैरीड कैरिंग कैरी, कैरी, कैरी,

अपना जिंदगी का मकसद बना लें आपने स्कूल में भी मेहनत से सुनना है घर आके भी अपना होमवर्क करना है हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें